आने का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बुलाने के लिए। चलें बोट के अंदर चलें, जब तक खाना तैयार हो रहा है बातें करते हैं बैठ के। बोट पर करेंगे डिनर। तुम्हें पसंद नहीं क्या? No, I love it. बहुत पसंद है, बस पहले कभी नहीं किया। अभी तो आगे जिंदगी में बहुत एंजॉय करना है यार। चलो आ जाओ, डिनर तैयार हो रहा है, हम उस वक्त तक टेबल रेडी कर लेते हैं। मुझे अच्छा लगा कि तुम इस रिलेशनशिप को मजबूत करना चाहते हो। तो फिर प्रॉब्लम क्या है आप? आई मीन, जो कुछ तुमने कहा उसके अलावा भी है कुछ तुम्हारे दिल में? तुम्हारे पिछले रिलेशनशिप से डर रही हूँ। मतलब मैगजीन्स में स्कैंडल्स छप रहे हैं, टीवी रिपोर्टर्स जगह जगह पीछा कर रहे हैं, मुझे ये सब पसंद नहीं है। तुम शायद ठीक कह रही हो यार, ये मैंने सोचा नहीं था। मुझे भी ये सब बातें पसंद नहीं है, मैं खुद भागता हूँ इनसे। और उस दिन रूड होने के लिए आई एम सॉरी। नहीं, वो तो एंजॉयमेंट थी पूरी, अगर मैं इतना सीरियस ना लेती उसे। तो जनाब, हमारी पहली लड़ाई के नाम और हमारे पहले डिनर की इस खूबसूरत रात के नाम। काट क्यों दी कॉल? इतनी खतरनाक लड़ाई के बाद इस डिनर के दौरान कोई भी कॉल इम्पोर्टेंट नहीं। कोई जरूरी कॉल है? हाँ, शायद कुछ ऐसा ही है। मैं जरा बात करके आ जाऊं। हाँ, श्योर श्योर। जी अम्मी। फौरन घर पहुंचो तुम, फौरन। क्यों, क्या हुआ? तुम घर आओ तो मैं बताती हूँ। सब खैरियत तो है ना? मुराद, मुझे अभी जाना होगा फौरन। कहाँ? ऐसी कुछ इमरजेंसी है, जाना होगा मुझे। बाबा की कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कुछ और मसला है, मैं बता दूंगी बाद में। यार, हमारा पहला डिनर है और तुम अचानक जाने की बातें कर रही हो, ऐसा क्या हो गया? रुक नहीं सकती क्या? पॉसिबल नहीं, सच कह रही हूँ, इस वक्त नहीं रुक सकती। प्लीज, मुझे जाना होगा, बाद में बता दूंगी तुम्हें। ओके, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। नहीं नहीं, देखो कोई मसला नहीं है मुराद, मैं खुद चली जाऊंगी बस। कैप्टन, मैं जा रहा हूँ। ठीक है साहब। अपना ख्याल रखना। हाँ बोलो दीदम। मुराद बात सुनो, तुम्हें हयात के बारे में ऐसी बात बताऊंगी कि तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। दीदम, अब वो मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम्हें शायद मालूम नहीं। हाँ ना, इसलिए तो बता रही हूँ। देखो, तुम बात नहीं समझ रहे। सुन तो लो हयात के बारे में जो मुझे पता चला है। शॉक्ड हो गई हूँ मैं तो। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है दीदा। जो भी बात है, जैसी भी बात है, मैं जानना नहीं चाहता। प्लीज, मुझे दोबारा डिस्टर्ब मत करना। मगर हेलो, उफ यार, उफ। Love's an anlamam.